बिलासपुर पहुंचे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश में बिजली उत्पादन के लिए जितने कोयले की जरूरत होती है वो उतनी पूर्ति लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा कोयले का स्टॉक भी बढ़ता जा रहा है। आज बिजली आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में 1.1 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता थी, लेकिन 2 मिलियन टन का कोयला उत्पादन किया गया। ये दर्शाता है कि देश में बिजली संकट की कोई स्थिति पैदा नहीं हो रही है। उत्पादन जरूरत के हिसाब से स्टॉक के लिए भी कोयला उत्पादित किया जा रहा है। मुझे अभी इतना ही कहना है कि रिक्वायरमेंट था, जहां तक हमको बिजली मंत्रालय से, पावर मंत्रालय से दिया गया था 1.9 मिलियन टन, ऐसे एक एम्बिशियस टारगेट डिमांड हमारे सामने रखा गया था, और 20 तारीख के बाद 2 मिलियन टन। मुझे इतना ही कहना है कि आज हमने 2 मिलियन टन सप्लाई कर दिया है, बाकी मैं समीक्षा करके बाद में बताऊंगा। मुझे तो टोटल रिक्वायरमेंट जो है उतना हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और बिजली उत्पादन के लिए आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला जरूरत है, और हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा इसके कारण स्टॉक भी बढ़ रहे हैं, और मैं इतना आश्वस्त करता हूं देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी।